बार बार पहले बोल दे, निकल चुका है, निकल चुका है। कहानी है 24 साल के अमन जॉर्डन की, जो कानपुर से हैं। और अभी इन्होंने हमें अपने पूरे घर का टूर कराया। हम कानपुर में हैं आज, और पूरे घर का भी मैंने टूर किया और रियलाइज़ किया कि लोग कहाँ कहाँ से उठ के आते हैं और वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनका घर कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है। इससे सपनों पर फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। उनके सपने क्या हैं वो उनको ही पता होता है, वो उसके लिए क्या करने वाले, उनको सच करने के लिए ये भी उन्हें पता होता है। ये कहानी है अमन जॉर्डन की, और अभी आप उनकी पूरे घर का एक टूर देखोगे और उसके बाद अमन की कहानी के बारे में जानोगे। ये मैं आपको पहले बता दूं, दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियली रियली ब्यूटीफुल और बहुत इमोशनल स्टोरी होगी। हो सकता है आपकी आंखों में पानी भी आ जाए, बट यू विल फील कि एक इंसान अपने सपने पूरे करने के लिए किस दौर से गुजरता है, उसका माइंडसेट क्या होता है, विनिंग माइंडसेट क्या होता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो पहले तो अमन को फॉलो ज़रूर कीजिए, जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके इंस्टाग्राम का लिंक है। और रिमेंबर टू फॉलो ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल, बिकॉज हम हमेशा की तरह आपके लिए ये ब्यूटीफुल 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 स्टोरीज़ लेके आते रहेंगे, जब प्योरली फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम अ जेन्युइन जेन्युइन हार्ट। This is the old kitchen, and now there is कारखाना। नो कारखाना बन गया जी, खाना बनाते थे। और यही सब है ना, ये सब पुराना पुराना सा, इट्स सो ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है सब ना। बस ये गेट नया लगा है, बाकी सब पुराना है। और सर ये यहाँ पे छोटे चाचा जी रहते थे, अब ये स्टोरेज रूम बना हुआ है। और यहाँ पे घर का रास्ता, काफ़ी ट्रिकी सीढ़ी है। और सर ये हमारा आंगन है। अच्छा, ये हमारा किचन है। वो ही स्कूल किचन है सर। ज्यूरी मेंबर, लखनऊ इज गॉट टैलेंट 2018 जी सर। आई वॉज एक्टिव इन फैशन मॉडलिंग फ्रॉम 2017 टू 2019। और ये अलमारी आपके सामान की है सर। और ये मेरा बेड है छोटा सा, मैं इसे सोता हूँ। आता कैसे है, डायगोनल भी नहीं आएगा, सब घर बाहर होते हैं। फिर छत का भी टूट गया। अमन का पूरा घर का एक टूर देखा, और इससे पता चलता है कि लोग अपने सपनों को पाने के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं। बट इस अब बस आगे बढ़ेंगे और अमन की वो इंस्पायरिंग स्टोरी जानेंगे जो थोड़ी देर पहले अमन ने मुझे बताई। आई वाज सो इंस्पायर्ड, मैं चाहता हूँ आपको भी वही सारी इंस्पिरेशन मिले। अमन, ओवर टू यू, अपने बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। थैंक यू सर फॉर वेलकमिंग इन माय शो। सर मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि माय मॉम वाज माय इंस्पिरेशन। मैं क्लास 8 तक, मतलब कि मैं 13 साल का था तब से मैं मॉम को देख के बड़ा हुआ हूँ, उन्हीं से इंस्पायर हुआ हूँ। उन्हीं को मैंने देखा कि कैसे वो इंडिपेंडेंट वूमेन थी, कैसे वो हम भाई बहनों को मतलब कि खर्चा उठाती थी, हम लोग को एक महंगे स्कूल में पढ़ाती थी, और वो अपना कभी कुछ नहीं करती थी, हमेशा अपने
फैमिली का करती थी, अपने बहनों का करती थी, उनके बच्चों का करती थी, सबका करती थी। तो मैंने उन्हीं से इंस्पायर होके सब कुछ सीखा है। लेकिन 2009 में मतलब कि उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ, तो शी कमिटेड सुसाइड। फ्रॉम देयर माई लाइफ चेंज। तो मतलब कि शी वॉज 80% बर्न। तो मतलब कि उस टाइम पे एक 13 साल के बच्चे पे क्या गुजरती है वही जानता है। तो क्या कहते हैं कि जब मैंने उनको देखा था तो मेरी आंखों में इतने आंसू थे, मतलब कि अपनी जब कोई मॉम को देखे कि वो ऐसे मतलब कि 80% बर्न हो और वो तड़प रही हो, तो वो फील ने मतलब कि एक 13 साल के लड़के पे क्या होगा बड़े बेटे पे। इतना हेल्पलेस था मैं। तो उस समय मैं क्लास 8 पे था, गर्मियों की छुट्टी थी, तो मैं मॉम के साथ ही रहा। मैं उनकी सेवा करता था, उनकी दवाई लगाता था। आई यूज़ टू क्लीन हर और उनके मतलब कि टूल साफ करता था। सब जितनी मुझसे सेवा हो पाती थी मैं वो करता था, लेकिन इन दी एंड मैं उनको बचा नहीं पाया था। तो वो एक रिग्रेट लाइफ में रहता है मेरी कि मतलब कि आई कुडेंट सेव माई मॉम, और वो रिग्रेशन अभी तक रहता है। तो मैं पहले बहुत एक्सट्रोवर्ट हुआ करता था, बहुत मतलब कि फ़नी ये सब हुआ करता था, लेकिन उसके बाद मैं चेंज हो गया। मैं इतना इंट्रोवर्ट हो गया कि मतलब कि मैं स्कूल कॉलेज जाने से डरता था, क्योंकि लोग अब टिफ़िन लाते थे, मॉम का बना हुआ खाना लाते थे, और मेरे पास कोई नहीं था कि मतलब कि खाना बना के मुझे कोई दे दे। और जब दोस्त लोग टिफ़िन खाते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि मेरी मॉम की कमी लगती थी, इस चक्कर में मैं स्कूल नहीं जाता था। करते थे जी, तो मेरे स्कूल की अटेंडेंस बहुत कम रहती थी, और यही चीज़ कॉलेज में थी। और मैं एक हाई प्रोफाइल स्कूल से मॉम की डेथ के बाद एक कॉन्वेंट स्कूल में आया, गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल के बाद मेरी कोई फ़ीस नहीं दे पा रहा था, तो फिर मैं क्या कहते हैं, मेरे एक दोस्त का स्कूल है, मैं वहाँ पर पढ़ने लग गया। तो वहाँ से मैंने पढ़ाई की, और साइड में अर्निंग के लिए मैं क्या कहते हैं, मैंने लोडर में मतलब कि बोरियाँ मतलब उठाई हैं, मैंने न्यूज़पेपर बेचे हैं सुबह, मैंने दूध बेचा है, मैंने दुकान में काम किया राशन की, वहाँ पर मैंने बोरियाँ उठा के रखी हैं, मेरे दोस्त ने मुझे लगवाई थी, 3,000 रुपये तब मिलते थे। तो मतलब कि मेहनत से कभी मैं पीछे नहीं हटा, मैं हमेशा ही मतलब मेहनत करता आया हूँ और करता आया हूँ। तो उसके बाद क्लास 12th के बाद मुझे जिम दिखा एज अ होप, रे ऑफ होप। मैं जिम गया तो मुझे शुरुआत में, मैं क्योंकि इंट्रोवर्ट था, इससे पहले कि हम थोड़ा जिम में जाएं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने जो ट्रांजिशन देखा ना, कि तुम एक बिल्कुल ही फुलफिलिंग अच्छी फैमिली के थे और अच्छे स्कूल में हो, मम्मी हैं आसपास, तुम उनसे हमेशा इंस्पायर्ड रहे हो, और फिर बिल्कुल ही पलट गई लाइफ। जी सर, ये जो पलटना है लाइफ का, ये हम कभी प्रोजेक्ट नहीं करते, एक्सपेक्ट नहीं करते कि मेरे साथ ऐसा होगा। हमारे साथ होता नहीं, हम तो फिल्मों में देखते हैं, दूसरों के परिवारों में देखते हैं, हमारे साथ नहीं होता है ऐसा, हम ऐसा सोचते हैं। तो जब ये हुआ तो तब तुमको कैसा महसूस हुआ, किस दौर से गुजरे? मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा सा और वो बताओ, बिकॉज आजकल क्या है कि थोड़ा सा हमारी ज़िंदगी में कुछ हो जाता है तो हम हार पैर फैल के बैठ जाते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हाय तौबा मचाते हैं। बट जो जिस दौर से आप गुजरे होंगे वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होगा। सर मुझे नाइटमेयर्स आते थे, मैं सो नहीं पाता था, मुझे मतलब अपनी मॉम की चीखें सुनाई देती थी रात में, मतलब कि मैं बहुत रातें हो जाती थी, मैं सो नहीं पाता था, मुझे मतलब कि एक टाइप का फोबिया हो गया था, और मैं किसी से बात नहीं करता था, बंद कमरे में ही पड़ा रहता था, और मैं दोस्तों से भी कट गया था, लोगों से भी कट गया था। और आप विश्वास नहीं करेंगे सर, मैं मंदिर में मतलब कि काकादी में एक मंदिर है, साईं मंदिर, मेरे स्कूल के पुराने, वहाँ पे मैं खाना खाता था, क्योंकि क्या कहते हैं मुझे मतलब कि वहाँ पे मतलब दोपहर के समय खाना मिलता था, तो मैं 11 रुपये दे के खाता था, ताकि ऐसा ना हो मुझे फ्री का नहीं खाना। मैंने प्याज रोटी से लेकर हर चीज़ खाई हुई है सर, तो मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वैल्यू क्या होती खाने की। लेकिन वो जो एक दौर होता है सर, वो हर कोई नहीं समझ सकता। आदमी को लगता है कि आज बंदा सिंपैथी गेन करना चाह रहा है या वो करना चाह रहा है, लेकिन मैं ये किसी को बताता ही नहीं जल्दी, कि आपने मुझसे पूछा तो मैं एक शेयर कर रहा हूँ अपना पर्सनल पास्ट, लेकिन मैं किसी को जल्दी बताता ही नहीं। अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं यही कहता हूँ कि आई हैव अ रफ पास्ट एंड नथिंग एल्स। बस काफ़ी, तो हम कभी कभी ये भी सुनते हैं कि मेरे तो इतने दोस्त हैं, जब ज़रूरत होगी तो ये सब मैंने इनके लिए इतना किया है, मेरी इतनी हेल्प हो जाएगी, या फिर मेरे इतने जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, एवरीबडी विल हेल्प मी, ऐसा हम अपने मन में सोचते हैं। हो सकता है आपने भी सोचा हो सर, उस मेन आपको सॉरी टू कट यू सर, पर ऐसा कुछ नहीं होता सर, ना रिश्तेदार काम आते हैं, ना कोई दोस्त काम आता है। वर्ल्ड फेक सोसाइटी से भरी हुई है सर, अगर आपकी जेब में पैसा है
तो सब आपके पास हैं। अगर आपका दौर कमज़ोर है तो कोई हेल्प नहीं करता सर। लोग झूठी तसल्ली देंगे आपको, लेकिन कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा सर। यही कहेगा खुद से करो, खुद से करो। इससे अच्छा किसी से हेल्प मांगने से अच्छा आप खुद करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप खुद गर्ज रहेंगे ज़्यादा सही है, क्योंकि लोग आपका बस फ़ायदा उठाएंगे या 10 जगह बातें करेंगे कि फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है। तो मेरा मानना यह है कि आप अपने पे भरोसा रखिए। मैं डिप्रेशन में रहा हूँ, बहुत साल रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं हमेशा फोकस रहा हूँ, डिसिप्लिन रहा हूँ। मैं समझिए एक तरीके से मॉन्क एक साधु का जीवन जी रहा हूँ। मैं ना किसी से ज़्यादा मतलब रखता हूँ, ना कुछ करता हूँ। अगर कोई मुझसे हेल्प मांगता है, अगर मुझसे हो पाती तो कर देता हूँ। अगर कोई मुझसे बोलता है तो मैं बात करता हूँ, नहीं तो मैं किसी से बात तक नहीं करना पसंद करता। मैं बिल्कुल रिजर्व रहता हूँ। और मेन मेरा फोकस जो है, मैं गोल फोकस्ड बंदा हूँ, तो मैं अपने करियर पर ज़्यादा फोकस रहता हूँ। तो मेरा सपना यही है कि मैं अपनी मॉम के नाम से एक ऑर्फनेज खोलूँ, एक ओल्ड एज होम खोलूँ, और जो तकलीफ़ मेरी मॉम ने झेली सही बन यूनिट और किसी के साथ ना हो, इसी चक्कर में मैं अपनी मॉम के नाम से एक छोटा सा श्वेता वर्चुअल फाउंडेशन चलाता हूँ, एनजीओ। जितना मुझसे हेल्प हो पाए मैं उतना करता हूँ। कपड़े कभी बांट दिए, कभी खाना बांट दिया। और टचवुड, कानपुर में ऐसा कोई स्लम नहीं है जो मुझे बाई फेस जानता ना हो। मैं सबकी हेल्प करता रहता हूँ जितना हो पाता है। लेकिन सर, आजकल की सोसाइटी ऐसी है, लोगों के पास है लेकिन कोई करना नहीं चाहता किसी की मदद। आदमी बस टहलाता है। अगर आदमी मतलब कि अगर मेरे में टैलेंट है, अगर आपके पास है मतलब आप कर सकते हो, तो आदमी करना नहीं चाहता है, वो बस टहलाता है और जबकि होप देता है। इससे अच्छा तो सर गरीब लोग होते हैं, उनके पास जरा सा मतलब एक निवाला होता है तो अपने आसपास जानवर को होता है, उसको खिला देते, बांट देते हैं। तो ये जो सोसाइटी का इंडिफरेंस और गैप है सर, ये मुझे नहीं पसंद है। और ये सोसाइटी से सर मतलब कि मैं सोसाइटी को मानता ही नहीं हूँ। आजकल की जो सोसाइटी है पूरी फेक है। और आजकल के एथलीट्स हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो बिजनेसमैन बनने लगते हैं, वो अपने पाथ से भटक जाते हैं। उनको एक लैविश लाइफस्टाइल या वो चाहिए। अगर जैसे किसी का गोल है ओलंपिया जाना या वहाँ जाना, तो आपको उस पर फोकस होना चाहिए। आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, एक वर्क एथिक्स होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ये थोड़ी ना है कि आपको फेक दिखाना है सोसाइटी में, आपको फेक चीज़ दिखानी है। आपको महंगी बाइक चाहिए, महंगे जूते चाहिए, आईफोन चाहिए, ये सब फेकनेस है। एक जो बाहर का एथलीट, आप काइग्रीन को ले लिए, वो कैसे रहता था? मेट्रो से सफ़र करता था, एक छोटे से फ्लैट में रहता था। ये लोग ऐसे रहते थे, अब वो सक्सेसफुल हुआ जाके इतने सालों बाद। अभी जरा से लड़के सक्सेसफुल नहीं होते, या यहाँ के ट्रेनर्स ले लीजिए, जरा से सक्सेसफुल होते नहीं है, फेक सोसाइटी में फंस जाते, आईफोन एंड ऑल दैट शिट। मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। जो मैं कमाता हूँ, या तो मैं अपने सप्लीमेंट्स पे लगा देता हूँ, मैं स्टोर करके रख लेता हूँ, या तो मैं अपनी डाइट के लिए बचाता हूँ, या कॉम्पिटिशन जो है, जैसे इस साल मैंने अपने कॉम्पिटिशन को डेडिकेट किया है, तो उनकी फ़ीस हो गई, एंट्री फ़ीस हो गई, टैन इन क्रीम हो गई, ट्रैवल हो गया, तो मैं उसके लिए जोड़ रहा हूँ सर। तो मेरा मानना, अगर आपने विजन देखा तो उस हिसाब से आपको अपना सेटअप भी करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और सक्सेसफुल ये नहीं कि आप तो तुरंत सक्सेसफुल है। आप एक बार फेल होंगे, दो बार फेल होंगे, तीन बार फेल होंगे, लेकिन एंड में आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा रखना ज़रूरी है। और अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे, आप कभी कुछ अचीव नहीं कर सकते। खुद पे भरोसा नहीं और करता मैं। और माइंडसेट अगर आपका नहीं है सही, तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते। जो आपने माइंडसेट कर लिया, जो आपका विजन है, व्हाट आपने माइंड को कंट्रोल किया, वही चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। बॉडी तो आपके माइंड से चलती है ना सर। अगर आपने पहले ही ना बोल दिया तो बॉडी ना ही हो जाएगी, नेगेटिव ही हो जाएगी। अगर आपने पॉजिटिव कर दिया, हाँ मैं कर सकता हूँ, तो होगा, टाइम लगेगा, हर चीज़ में टाइम लगता है। अब सबसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मुझे चिकन बिरयानी पसंद है, तो चिकन बिरयानी बनने में भी टाइम लगता है, लेकिन टेस्टी बनती है। वैसे ही अब जैसे मैंने सोचा है कि अपना करियर इसमें सेट करना है, टाइम लगेगा लेकिन फ्रूटफुल होगा, मेरा मानना ये है। और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी हमेशा मॉम रही हैं। और मैं जब भी कुछ अच्छा करता हूँ या कुछ अचीवमेंट होता है, तो मैं हमेशा अपनी मॉम को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ, आज जहाँ तक पहुँचा हूँ, अपनी मॉम की वजह से। थैंक यू। तो मुझे एक और वाली बात बताओ कि आपने बोला कि ये साल आपने अपने कॉम्पिटिशन्स को डेडिकेट किया और यहीं पर आप अपना फ्यूचर देखते हैं, तो आपने दुनिया की जो फेकनेस या जो मटीरियलिस्टिक दुनिया है, इसको छोड़ के आपने अपने सपनों पे फोकस करना ठीक समझा? जी सर। हमने आपका घर भी देखा, आपने हमें टूर पे दिखाया था और आप सब लोगों ने भी देखा ये घर। तो एक बात बताओ कि आपको थोड़ा लगता नहीं कि मैं कैसे इस घर को किसी को दिखाऊं, मैं कैसे किसी को लेके आऊं, या फिर
मैं आप कोई आपके वो फोटोग्राफ्स देखिएगा जो अमित खन्ना ने क्लिक किए थे एंड यू विल लुक लाइक सम इंटरनेशनल स्टार फ्रॉम मिडल ईस्ट और फ्रॉम सम अदर कंट्री. सच हम्बल लाइफ. आप इतनी सिंपल हम्बल जिंदगी जीते हैं. आप इस माइंडसेट को मैनेज कैसे करते हैं? मतलब बाहर से आप दिखते हैं कि ये तो कोई 30 मार खाऊंगा, हमसे बात भी नहीं करेगा, और अंदर से आप बिल्कुल ऐसे बहुत ही सिंपल हैं. सर, सिंपल से यही है मैं कहना चाहूँगा कि फेकनेस पे ना पड़िए, आप जो हैं वो रहिए. आपको सोसाइटी को खुश नहीं करना है, क्योंकि आप कभी सोसाइटी और लोगों को खुश नहीं कर पाएंगे. आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको दिल से खुशी दे. अगर आप सोसाइटी को चेस करते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे. और सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर इज़ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग इन दिस वर्ल्ड. लोग मेंटल हेल्थ को बहुत अंडररेट करते हैं इंडिया में. उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना फैमिली समझती, ना फ्रेंड्स समझते हैं. तो मेरा मानना यह है कि अगर आप डिप्रेशन में हैं या आपको नेगेटिविटी है या कुछ भी है, तो मेरा मानना है मेडिटेट कीजिए और वो चीज़ कीजिए जो आपको खुशी दे दिल से. और मुझे जिम ने एक तरीके से मेरी मेडिसिन जिम ही रही है. और मेडिटेशन में मैं जैसे कि शिव भक्ति सॉन्ग सुनता हूँ, शिव रावण स्ट्रॉटम सुनता हूँ सुबह उठ के, अगर जब मैं नेगेटिव फील करता हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी अच्छे वाइब्स आते हैं. तो मेरा यही मानना है कि पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है. जब तक आपका माइंड क्योस में रहेगा, तब तक कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ओवर थिंकिंग इज़ अ डिजीज़. यस. और अगर आप ओवर थिंक करते रहेंगे तो हमेशा कुछ नहीं कर सकते. और रिग्रेट कभी ना कीजिए लाइफ में. अगर आप हारे जीते या कुछ हो, हमेशा एक लेसन लीजिए, उसको एज अ लेसन लीजिए और उसमें अपनी वीकनेस देखिए, क्या कमी थी, मैं क्या नहीं कर पाया, मैं उसको अच्छा करूँगा. ट्राई टू अपग्रेड योर सेल्फ एवरी टाइम एवरीवेयर वेर यू कैन. एंड मेरा मानना है कि आप जितना हम्बल रहोगे, जितना काइंड रहोगे एक दूसरे से, उतना ही अच्छा है. क्योंकि यही एक असली चीज़ है, काइंड हार्ट ही सबसे खूबसूरत चीज़ होती है इंसान में. आप गुची पहन लेंगे, प्राडा पहन लेंगे या कुछ पहन लेंगे, वो आपको नाइस गाय नहीं बनाएगा. अच्छी बॉडी रख लेंगे, आज है कल नहीं है. वही चीज़ है, अगर आप दिल के अच्छे नहीं है तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे. तो आप ये फिटनेस में कैसे है, मतलब आप क्या चाह रहे हो करना अब? सर, एक्चुअली मैं फिटनेस में इसलिए मैं आया हूँ सर, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला है कि तुम्हारे जेनेटिक्स अच्छे हैं, तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं, यू कैन गो. आई एग्री. और मुझे अपने में भी लगता है कि मुझ में कॉन्फिडेंस है, मेरे में है वो बात. क्योंकि अगर मैं इतना अच्छा भी कर रहा हूँ इतने कम मतलब मुझे 6 साल हुए ट्रेनिंग करते हुए, 6 साल में अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो मुझे भरोसा है कि आने वाले 4 साल में मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ, मैं और अच्छा डिफाइंड हो सकता हूँ. क्योंकि भरोसा है मुझे अपने पे, क्योंकि मेरे माइंड में एक विजन है. मुझे एक ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग बहुत पसंद है. तो जैसे कि आपका फ्रैंक ज़ेन हो गए, टॉम प्लैट्स हो गए, तो मेरे दिमाग में यही सब चलते रहते हैं. और जिम भी मैंने जैफ सेठ के चक्कर में चालू किया था, क्योंकि मैंने जब उसको यूट्यूब में देखा था तो मैंने कहा अरे यार, मतलब कि सर्जी कॉन्स्टेंट, लजार एंजलोव, इन सब में सबसे छोटा यही और सबसे स्मार्ट यही, एस्थेटिक में यही है. तो जिज हो गए, जैफ सेठ हो गए, तो इन सबसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था. और करेंटली मुझे मोटिवेट और किया भुवन चौहान सर ने, उनके जो वर्क एथिक्स और इन सब वीडियोस से मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ हूँ कि कैसे कि आप अगर डिसिप्लिन रहें, आइसोलेटेड रहें और अपने विजन पे भरोसा रखें, तो आप कुछ अचीव कर सकते हैं. तो मेरा आपसे एक आखिरी क्वेश्चन और है. आप कानपुर को बिलोंग करते हैं जी. कानपुर में बॉडी बिल्डिंग का वैसे ही स्कोप कम है, और जिस स्ट्रीम में आप जा रहे हैं वो कि फिटनेस मॉडलिंग, उसमें तो ना के बराबर ही है जैसे. तो थोड़ा आपको डर नहीं लगता कि शायद आपको इस शहर को छोड़ के जाना पड़ेगा, परिवार को कहीं छोड़ के जाना पड़ेगा अगर आपको उसको में ग्रो करना है? या बहुत ही मुश्किल राह पकड़ी है आपने बॉडी बिल्डिंग में भी, फिटनेस मॉडलिंग आपने राह पकड़ी है कानपुर के हिसाब से, क्या सोचते हैं? सर, इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो यू हैव टू अडेप्ट. मेरा मानना ये, अगर मुझे मतलब कि आगे बढ़ना है तो मुझे अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना होगा, मुझे चेंज करना होगा. अगर मैं वहीं पे रहूँगा तो कभी चेंज नहीं कर पाऊँगा. अब जैसे मैं सीड हूँ, सीड से प्लांट बनूंगा, प्लांट से ट्री बनूंगा, ट्री से मेरे में फ्रूट आएंगे. एक तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन होती है. तो वैसे ही अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे दूसरे जगह जाना पड़ेगा. अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब क्यों नहीं करूँगा? और कहते हुए लक्ष्मी जी जहाँ से आए उनको हम कभी मना नहीं करना चाहिए, उनको पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी खफा हो जाएं तो फिर हम लोग कभी कुछ कर नहीं सकते. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो मेरा मानना यही है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आती. और एक बार आपके हाथ से स्लिप हो गई
तो वो स्लिप हो गई। तो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रैब कीजिए। ऑलराइट, सो अमनजीत सिंह आहलूवालिया की एक कहानी ने मुझे तो बहुत इंस्पायर किया, आई एम श्योर आपको भी किया होगा। अगर आप अमनजीत से टच में आना चाहते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा था, उनके इंस्टाग्राम का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, प्लीज़ रिमेंबर टू मैसेज अमनजीत। बहुत ही सिंपल क्लियर थॉट वाला बंदा है, जो आपको शायद समझ भी आ गया होगा इनके चाहे लाइफस्टाइल से या फिर इनकी बातों से। अमनजीत, कोई लास्ट मैसेज? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने ड्रीम्स पे बिलीव कीजिए, कभी हार ना मानिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। देर लगेगी लेकिन आप सब अचीव कर सकते हैं अगर आप में एक पॉजिटिव माइंडसेट है। उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहेंगे लेकिन गिव अप ना कीजिए, समय लगेगा लेकिन आप अचीव करेंगे। और मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा, जिनके पेरेंट्स हैं और जिनकी मॉम हैं तो वो अपनी मॉम की ज़रूर इज्जत करें, वैल्यू करें, क्योंकि जिनकी नहीं होती है उनको पता होता है कि बिन मॉम के रहना क्या होता है। तो थैंक यू सो मच। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।